Hello everyone, and this is Ashish Jain. In this video, we are going to take up a new topic, that is how to create table on website with the help of HTML. So, हमने जैसे last video में देखा था, हम वही basic start करेंगे. Let's कि हम पहले type करेंगे HTML, एक tag use करेंगे HTML, उसके बाद हम head tag use करेंगे, and then we will give a title, that is table. So let's start with HTML tag, HTML, and then head. आपको पता है हम head tag use करते हैं to give a title of the web page. So to open another tag, that is title, and then give a web page title, that is table. Now first close title. And then close head. Now let's start with the body. Now first let's show you what we are going to create in the website. See, this is a table that we are going to create on the website. This is the table heading, that is country, capital and language, and these are the table headings, and these are three rows, and this table we are going to create on the HTML web page. So first let's start with a tag, that is let's open tag, that is for creating a table, open tag table. ना आप देख सकते हो, हमने जैसे ही टेबल ओपन किया, अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कि ये देखिए रो दिख रहे हो, कितनी रो है देखिए यहाँ पर, 1, 2, 3 and 4, ठीक है. तो हम जब भी टेबल रो हम जब भी हमें ऐड करना होगा, हम टैग यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड TR. TR stands for टेबल रो. बट यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट जो है वो टेबल रो नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, टेबल हेड है, ठीक है. तो हम पहले यूज करेंगे टेबल हेड. देखिए फर्स्ट हम यूज करेंगे टेबल TR यूज करेंगे, दैट इज फॉर टेबल रो, एंड देन वी विल यूज टेबल हेड, दैट इज टेबल हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग हम देखिए यहां पर क्या है, दैट इज कंट्री. सो फर्स्ट वी पुट कंट्री and then close first table head. तो देखिए second heading क्या है, देखिए capital same row में है, तो table row continue रहेगी, and we are putting the another table head on the same row. So just open another table head and then put capital. Now close this table head. Now the third table head is language. टेबल हेड क्लोज, ठीक है. अब आप देख सकते हो कि हमारी फर्स्ट रो जो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है. तो हम जैसे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल क्लोज फर्स्ट टेबल रो. नाउ टू स्टार्ट अनदर रो, वी विल पुट अप अनदर टेबल रो. सो ओपन TR टैग अगेन. नाउ आप देख सकते हो नेक्स्ट टेबल रो हेडिंग नहीं है, okay? वो क्या है, डेटा सेल्स हैं. तो डेटा सेल्स के हम ये यूज करते हैं टेबल डेटा, दैट इज कॉल्ड TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. तो हम यहाँ पर TD टैग ओपन करेंगे, TD, ठीक है. देखिए फर्स्ट का लिखा है यहाँ पर इंडिया, एंड देन क्लोज फर्स्ट TD, देन सेकंड TD में दैट इज न्यू दिल्ली, and then close second TD, then third table data, that is Hindi, and then close TD. अब हमारे देखिए यहाँ पर first जो है table row finish हो चुका है, तो हम table row जो close कर देंगे, and then open another table row. देखिए another table row में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, France, Paris and French.
तो टेबल डेटा, फ्रांस, देन क्लोज टीडी, देन टीडी, फ्रेंच, सॉरी आई थिंक यस पेरिस, पेरिस आएगा, एंड देन क्लोज टीडी, देन ओपन अनदर टीडी, एंड देन फ्रेंच फॉर लैंग्वेज, एंड देन क्लोज टीडी. Now we have completed this table row, so close table row and then open another table row and then first give table data, that is New Zealand. Then close TD, open another TD, that is table data, that is Wellington. Close TD, open another TD, English, and close TD. Now first close DR, तो देखिए हमने TR finish कर दिया है. तो अब देखिए यहाँ पर हमारी चार हमारी टेबल रो है, हमने चारों टेबल रो फिनिश कर दी है. Now first close टेबल, हमने हमारी टेबल जो फिनिश हो चुकी है. देन क्लोज बॉडी एंड देन क्लोज एचटीएमएल, प्रेस कंट्रोल प्लस एस, गिव द फाइल नेम टेबल डॉट एचटीएमएल, सेव एज टाइप, ऑल फाइल्स. Then save. Now I have saved this. And now just open with Google Chrome. So this is the table. अब देख सकते यहाँ पे, देखिए अभी टेबल पूरी कंप्लीट नहीं हुई है. क्यों नहीं हुई है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करिए इस टेबल से, यहाँ पर ना तो बॉर्डर है ना कलर है. इवन देखिए अभी तक हमने जो है टेबल हेडिंग भी नहीं पुटअप की है. टेबल हेडिंग ये है हमारे हमारे दैट इज कंट्री कैपिटल एंड लैंग्वेज. तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल के बाद टेबल हेडिंग के लिए एक कैप्शन देना होता है. तो ओपन करेंगे कैप्शन, कैप्शन टैग, फिर यहाँ लिखिए कंट्रीज कैपिटल एंड लैंग्वेज, क्लोज कैप्शन, प्रेस कंट्रोल प्लस एस. देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर ऊपर टेबल हेडिंग भी आ गई है. ठीक है, अब देखिए बॉर्डर भी देना मुझे यहाँ पर. तो देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर टेबल में जाइए, बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू लाइक सपोज से 10, बिकॉज ये पिक्सल में ही जो है वो देखता है. नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस. आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल एक जो यहाँ पर प्रॉपर टेबल अब बन गई है. ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको सेंटर में करूँगा, तो अलाइन इक्वल टू सेंटर, प्रेस कंट्रोल प्लस एन एस एंड देन रिफ्रेश दिस. अब देखिए यहाँ पर टेबल जो आपकी वो सिंपल सेंटर में आ गई है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक और जो है यहाँ पर टैग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, विच कॉल्ड सेल पैडिंग, सॉरी एट्रीब्यूट यूज करते हैं सेल पैडिंग. सेल पैडिंग हम यू क्यों यूज़ करते हैं, सेल पैडिंग बेसिकली यूज टू सी द गैप बिटवीन द टेबल. आप जैसे देखे, देखिए मैं डालूंगा यहाँ पर, सो लेट सपोज आई पुट 5 pixel सेल पैडिंग एंड देन प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस. आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप जो काफ़ी बड़ी है. ठीक है,
तो सेल बिडिंग क्या होता है बेसिकली आपका, कि बिटवीन जी आपका जो भी बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर और जो आपका डेटा है उसके बीच में कितना स्पेस है, उसके लिए हम जो है सेल बिडिंग यूज़ करते हैं। अनदर एक और हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, दैट इज विच इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग बेसिकली यूज टू गिव अ स्पेस बिटवीन दी सेल। लेट सपोज आई गिव 5, अगेन प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस। नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ गैप इंक्रीज बिटवीन दी सेल्स। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो है कलर देना है बॉर्डर का, तो सपोज बॉर्डर ई इक्वल टू रेड, प्रेस कंट्रोल प्लस एस एंड देन रिफ्रेश दिस। आई थिंक आई हैव मेड समथिंग रॉन्ग। सॉरी, यहाँ पर आएगा बॉर्डर कलर, नॉट बॉर्डर, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड। सी दिस इज दी, नाउ यू कैन सी वेरी वेल, यू कैन कंपेयर विद दिस। आई हैव ऑलरेडी मेड एज इट इज, सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल ऑन द वेबसाइट। नाउ वी विल डू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन HTML इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।